सभी निश्चय बुद्धि आत्माओं को ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 3 सितंबर 2020। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनाभव के मंत्रों से तुम्हें राजाएं मिलती हैं। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। आज बाबा ने गीत सुनाया, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी हैं। नाम को भी नहीं पकड़ना है, ध्यान में रखना है हम आत्मा हैं, बाबा से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर हैं क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है, इसमें और ही जास्ती फायदा है। जबकि तुम सम्मुख हो, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भगानी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। सदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम। इन आँखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं। जब शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा। तुम हर एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे,
वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। तुम नहीं सिखाते, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती हैं। इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती हैं। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पार्ट प्रारब्ध का इमर्ज होगा। वहाँ यह बातें याद नहीं रहेगी। यह अभी बाप समझाते हैं। अभी पार्ट पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊँ, तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहाँ तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पार्ट शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहकार भी रंक होते जाएंगे। पेट पीट से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी हैं। मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है। उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका। यह अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाई बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाई दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाए आदि तो वहाँ कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीता में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो यह तो और ही तमोप्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमोप्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो। अब नज़दीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियाँ बहेगी। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी
कैसे रिपीट होती हैं। आकर समझो, जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो ज़रूर गोल्डन एज रिपीट होगा। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है यह भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं, अभी तुम्हारे साथ बाप हैं। जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप हैं उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़े ही कराएंगे, किसी को मारना हिंसा है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो, वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं, अभी तुम्हारा है योग बल। परंतु इनको न समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, यह तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर्स नहीं समझेंगे। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं, सतयुग त्रेता में यह होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाएं पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं, अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको देवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होता है ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप हैं जो कहते हैं मर्जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगनी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पार्ट पूरा किया, अभी बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमोप्रधान है, पांच तत्व भी तमोप्रधान है। वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं। खानियाँ जो अब खाली हो गई हैं वह सब फिर से अब भरती होती जाती हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीज़ें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती हैं, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती हैं। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया यह चला, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो न सके। घर में बैठ सेकेंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुँच जाते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होगा। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है। यह है माया का अंतिम पांप।
लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं, कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा, वहाँ ऐसे थोड़े ही कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं, यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ा रहता है, बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है, भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरतों का सुख तो रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख, आधा आधा हो फिर तो मज़ा नहीं, भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आई लूटते हैं, सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है, अर्थात बाबा और मम्मा का पद तो निश्चित है, गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है, अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगी तो बाप सबको ले जाएंगे, शिव की बारात कहते हैं ना, यह सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना, यह भी सिखाते रहते हैं ब्रह्मा बाबा, इनको अर्थात ब्रह्मा बाबा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो, यह तो सुनते ही हैं, बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं, इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं तो क्यों नहीं सिखलाएंगे, यह ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ, यह ख्याल में रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है, भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है, सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं, यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं, इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है, शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं, तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्म इंद्रिया वश होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है, यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं यह समझना भी मुश्किल हो जाता है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का धारणा के लिए मुख्य सार हैं, उसमें पहला है इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा है अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है, मैं आत्मा हूँ
इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। आज बाबा ने वरदान दिया, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। वरदान का डिटेल है, जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव होगा। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजय बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। ओम शांति।